नमस्कार, मैं उमेश कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं पहले की तरह आज फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक सब्जेक्ट बायोलॉजी के एक विशेष टॉपिक को लेकर, जो कि 11th बायोलॉजी के बेस पर है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो चला रही है उस सिलेबस के अनुसार NCERT CBSE लगभग सभी के आधार पर मैंने इस टॉपिक को आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है, फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम। मैं थोड़े से जानकारी दूंगा इस वीडियो में आपको कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है, क्या क्या साइलेंट फीचर्स होता है एनिमल किंगडम का, एनिमल्स का कैसे हैबिट होता है और किस तरह का हैबिटेट वो बना कर रखता है अपने लिए। इन सब के बारे में मैं बात करूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा इसके बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, हमेशा आप को जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का इस टॉपिक है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम और हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ एनिमल किंगडम, इसके बारे में मैं बात करूंगा। अब सभी को पता है कि बायोलॉजी का जो बेस है वो सारे एनिमल्स बेस पे है, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो। तो आप अभी जो पढ़ रही हैं एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये बताना ज़रूरी लगता है कि ये जो एनिमल किंगडम है, अभी तक ज्ञात जंतुओं या सजीवों लिविंग थिंग्स की श्रेणी का या उन श्रेणी में लगभग 12 लाख प्रकार के एनिमल्स को सम्मिलित किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए ये एक नया कि लगभग 12 लाख प्रकार के एनिमल्स को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि 12 लाख प्रकार के जंतु को आप वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर्स में जाने से पहले मैं सामान्य चर्चा करूंगा, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या इसके लिए आप इंट्रोडक्शन निर्धारित कर सकते हैं, मतलब क्यों हमें जानना चाहिए, आखिर क्या होता है इसमें कि हम इसके फीचर्स याद करें। फीचर्स इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फीचर्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल तरह तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपके नीट हो, चाहे पैट हो जो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है उसमें भी, और आपके स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा उसमें भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले देख लीजिए इंट्रोडक्शन, फिर जाऊंगा मैं साइलेंट फीचर्स में, हैबिट और हैबिटाट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस श्रेणी में एनिमल किंगडम में उन सभी एनिमल्स को रखा गया है जो मल्टी सेल्यूलर है। कैसा है? मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिकी संरचना जिसमें बनी हुई है। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक प्रकार का न्यूट्रिशन करता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। यूकैरियोटिक एनिमल्स को सबको एक साथ एनिमल किंगडम में रखा गया है, अर्थात बहुकोशिकी है, विषम पोषी पोषण करने वाले हैं। यूकैरियोटिक एनिमल्स को एनिमल किंगडम में रखा गया है। आज भी नई नई प्रकार की स्पीसीज इसमें खोज की जा रही है, कई सब स्पीसीज इसमें मिल रही है। तो सारे एनिमल किंगडम की एनिमल्स में उसकी संख्या को देखते हुए या डाइवर्सिटी को देखते हुए उसकी जो स्ट्रक्चर है, उनके जो फंक्शंस है, उसमें पर्याप्त डिफ्रेंशिएशन पाई जाती है, पर्याप्त विविधता पाई गई है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी एनिमल्स अभी ज्ञात है उन सब की संरचना और कार्य में समानता नहीं है, और समानता नहीं है, विभिन्नता है, तभी तो इतने लाख प्रकार के एनिमल है। अगर समानता रहता, एक समान हो जाता, तो क्या इतनी गिनती में आता? नहीं ना। मतलब ये वो वेरिएशन है, वो वैरायटी है जो दर्शाता है कि इसमें इतने सारे एनिमल है। ठीक है, ये सारे जो जंतु होते हैं, जैसे हमने कहा कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मूवमेंट कर सकते हैं, मोबिलिटी इसमें पाई जाती है, लोकोमोटरी इसमें आर्गन होता है, इसके बारे में मैं फिर साइलेंट फीचर्स में बात करूंगा। ये एक स्थान पर भी रह सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, जो एक स्थान पर रहते हैं वो प्रायः एक्वाटिक प्रकार के एनिमल होते हैं, जलीय एनिमल होते हैं। ठीक है,
एक जगह पर स्थिर रहते हैं, पानी में उगने चलने वाली धाराओं के कारण, बहाव के कारण, तरंग के कारण उस भोजन उसके शरीर में पहुंचते जाता है। सारे एनिमल्स को एक साथ मेटाजोअन्स कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं चर्चा जब अलग से फिर से एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा पूरे एनिमल किंगडम में, तो फिर से मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इतना ही जानिए इसमें, इस सेक्शन में, कि मेटाजोअन्स कहते हैं, सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स को मेटाजोअन्स कहते हैं जो एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। इनकी सभी जो सेल्स होती हैं, इनकी सारे जीवन की एक्टिविटीज़ होती है, लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है, उनको करने का श्रेय जिसे अगर कोई जाता है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या इकोरेटिक सेल्स को जाता है। मतलब उसके शरीर में बहुकोशिकीय प्रकार की कोशिकाओं की संरचना होती है। सारे क्रियाएं एक साथ चूंकि संचालित नहीं कर सकती, ठीक है ना, सारे क्रियाओं का संचालन एक साथ नहीं कर सकती, अर्थात इन एनिमल किंगडम में टीशू सिस्टम होता है। क्या होता है? टिश्यू सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। ऊतक तंत्र होता है, ठीक है। ये ऊतक तंत्र आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन या अंग बनाते हैं। ये ऑर्गन या अंग बाद में ऑर्गेनिक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम ही बाद में बॉडी की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसको हम इस समय कहेंगे बॉडी, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखिए एनिमल का, मतलब संगठन देखें, तो कैसा होगा? सबसे छोटी उसमें कुछ होता है तो होता है सेल, ठीक है। क्या होता है? सेल या एक कोशिका होता है। ये कोशिका अपने समान नए कोशिकाओं से मिलकर बनाती है, टिश्यू सिस्टम बनाती है, ऊतक तंत्र बनाती है, ठीक है। कोशिका होती है, कोशिका ऊतक बनाती है, ऊतक ऊतक तंत्र बनाती है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर यह बनाइए सिर्फ एक ऊतक, ऊतक के बाद में ऊतक सिस्टम बनेगा, ऊतक तंत्र बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, फिर बॉडी कहलाएगा, ठीक है। अर्थात इसमें हम जो कहेंगे कि इसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अर्थात कार्य विभाजन इसमें पाया जाता है। अलग अलग अंकों का अलग अलग कार्य डिवाइड कर दिया गया कि भैया आप यही कार्य करोगे। हाथ का काम है मारना पीटना तो मारेगा ही पीटेगा, क्लियर है ना। मुंह का काम है बड़बड़ाना तो मुंह बड़बड़ाएगा, एटसेट्रा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब जितने भी प्रकार के एनिमल किंगडम के एनिमल होते हैं, सब में फिजियोलॉजिकल डिविजन ऑफ लेबर पाया जाता है, अर्थात प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन पाया जाता है, ठीक है ना। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन, हिंदी में, इंग्लिश में कह सकते हैं आप इसको फिजियोलॉजिकल डिविजन ऑफ लेबर। मैं यहां पर लिख देता हूं फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियर है। फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, लेबर प्रेजेंट होता है, प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन की इसमें क्षमता पाई जाती है, ठीक है। ये तो था सिंपल सा डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम का, अर्थात इंट्रोडक्शन के रूप में आपने देखा। अब मैं जा रहा हूँ इसके सबसे मेन मुद्दे पर, जिसके बारे में जो चीज़ मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, और वो आता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस सेक्शन में मैं सिर्फ कैरेक्टर्स पर फोकस करूंगा, हैबिट हैबिटेट पर फोकस करूंगा, उसके क्लासिफिकेशन पर यहाँ पर नहीं जाऊंगा। उसके लिए अलग से आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम, सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम्स, जितने भी प्रकार के एनिमल्स एनिमल किंगडम में पाए जाएंगे, सब में कई लक्षण होते हैं जिसके आधार पर ये जान सकते हैं कि हाँ ये एनिमल है, आप उसको एनिमल के रूप में गिनती कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कैरेक्टर्स, इसके सिम्टम्स, सॉरी फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट फीचर्स की बात करूँ, तो सबसे पहले तो जान लीजिए एनिमल किंगडम में उन सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है इसमें, जो मल्टी सेलुलर हैं। क्या है? मल्टी सेल्यूलर है, अर्थात बहुकोशिकीय कोशिका का संगठन है। बहुकोशिकीय कोशिका का संगठन है, ठीक है, एवं यूकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर है। क्या है? यूकैरियोटिक
सेल स्ट्रक्चर है इसमें। क्लियर है? आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी संरचना है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, तब जाके उसको कहेंगे हम लोग एनिमल किंगडम। इसके अलावा और विशेष करैक्टर और है जो कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। क्या अब्सेंट होता है? क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। जब क्लोरोफिल अब्सेंट है का मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ये करेगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा। क्या करेगा? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा, विषमपोषी पोषण करेगा। क्लियर है? अगर ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है, विषमपोषी पोषण कर रहा है, ठीक है, मतलब ये किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। क्लियर है ना? ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड अदर एनिमल, ये दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट करैक्टर की मैं बात करूं, नेक्स्ट फीचर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें जो एनिमल पाए जाएंगे, जितने भी प्रकार के एनिमल होंगे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, अर्थात सेल वॉल अब्सेंट होंगे। क्या अब्सेंट होंगे? सेल वॉल अब्सेंट होंगे, याद रखेंगे आप लोग। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और यही वो मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है जिसके बेस पे आप प्लांट को एनिमल से अलग कर सकते हैं। याद रखेंगे सभी, एनिमल को और प्लांट को हम जिस बेस पे अलग करते हैं ना, उसमें से एक बहुत पावरफुली कैरेक्टर ये भी बनता है। ऊपर का कैरेक्टर तो है ही कि क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, नीचे का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि सेल वॉल इसमें अब्सेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें, नेक्स्ट फीचर्स की अगर बात करें, तो आपने देखे होंगे सारे एनिमल्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि अपने भोजन को निगलकर ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। निगलकर ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं इंगेशन, ठीक है ना। इंगेशन करते हैं भोजन को, इंगेज्ड करते हैं, इंगेशन करते हैं, अर्थात इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। भोजन को ग्रहण अंतर्ग्रहित करने की क्षमता, निगलकर ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। प्राणी संभोजन भी कह देते हैं इसको, प्राणी संपोषण भी कह देते हैं इसको, प्राणी संभोजी पोषण भी कह सकते हैं इसको। तो नाम अलग अलग हो सकता है, नाम कई हो सकते हैं, लेकिन काम एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की मैं अगर बात करूं, तो इन एनिमल्स में जो एनिमल किंगडम में पाई जाती है, ठीक है, या उस ऑर्गेनिज्म में, उस संगठन में जो इस किंगडम में पाई जा रही है, उन सब में मोबिलिटी पावर लोकोमोटरी पावर होता है, ठीक है ना। मोबिलिटी का जो पावर है, ये पावर आती है उनकी कोशिकाओं से शुरू होकर ऑर्गन तक जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं गतिशीलता। एंड इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, अर्थात लोकोमोशन होता है, प्रचलन होता है। प्रचलन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। गतिशीलता का मतलब होता है वो जीव एक ही जगह पर रहकर उसके ऑर्गन्स क्या काम करेगा, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन है वो अपना काम अपनी जगह पर रहकर कर रहा है, वो उसमें गति कहलाती है, ठीक है। प्रचलन लोकोमोशन, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट करैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट करैक्टर में आती है, इसमें उत्तेजनशीलता की गुण पाई जाती है। उत्तेजनशीलता की गुण पाई जाती है का तात्पर्य होता है उत्तेजनशीलता। व्हाट डू यू मीन बाय उत्तेजनशीलता? स्टिमुलेशन पावर इसमें होता है, स्टिमुलेटरी पावर होता है, उत्तेजनशीलता का गुण होता है, ठीक है। उत्तेजनशीलता के गुण होने के साथ साथ इसमें स्पेशल सेंस ऑर्गन होता है, स्पेशल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इस स्पेशल सेंस ऑर्गन का नाम है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएं, तो नेक्स्ट कैरेक्टर कुछ इस प्रकार का मिलता है। इसकी जो बॉडी की संरचना होती है,
ये हो गया फोर, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये सेवन्थ होगा ना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए आप, इस पर दीजिए। सेवन्थ में आता है, इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग, इसका लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है का मतलब होता है इसमें दो विशेष प्रकार के ऑर्गन बनेंगे, मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। क्या बनेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। इसमें यूनिट्स बनेंगे, जनन इकाइयाँ बनेंगी, जो क्रमशः मेल एंड फीमेल गैमेट के रूप में होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, अगले इसमें फीचर्स की बात करें आफ्टर द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद में तो एक और मेन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इसमें होती है, और वो होता है एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, अर्थात इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन काफ़ी डेवलप होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन वेल डेवलप होता है, अर्थात एक्सक्रेटरी सिस्टम काफ़ी विकसित होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम एक्सक्रेशन करते हैं या उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं, नेक्स्ट फीचर्स की अगर बात करें, तो नेक्स्ट फीचर होता है हमारे द्वारा की गई भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन और फैट के रूप में करता है। किस रूप में करता है भोजन का संग्रहण? ग्लाइकोजन एंड फैट के रूप में करता है, वसा के रूप में करता है। आपको पता होगा जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो बिना खाए पिए भी, जब तक हम खाना नहीं खाए रहते हैं तब तक हमको एनर्जी अगर कहीं से मिलती है तो यहीं से मिलते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखती है हमारी सेल की कोशिकाएं, ये मैं बताऊंगा आपको कहां पर कैसे होगा ये कन्वर्शन। नेक्स्ट फैट के रूप में, फैट बॉडी के रूप में हमारे शरीर में कलेक्ट रहती है, यहीं से हमको एनर्जी मिलता रहता है लगातार, ठीक है। और एक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें जो वृद्धि होगी सारे अंगों में समान होगी, सिमिलर डेवलपमेंट होगा, सिमिलर ग्रोथ होगी सारे अंग में, सिमिलर ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, ठीक है, एक समान वृद्धि होगी सारे ऑर्गन में, क्लियर है। तो ये हो गया वो इंपॉर्टेंस कैरेक्टर जो आपको जानना चाहिए कि एनिमल किंगडम में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा मैं शुरू में बताया था कि हैबिट और हैबिटाट के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करूँगा, तो मैं पहले एक कंटेंट लेता हूँ आपके लिए हैबिट, ठीक है। हैबिट मीन्स यहाँ पर मैं समझता हूँ और आपको भी समझना चाहिए, ये प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं कि जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं सब हेटरोट्रॉपिक प्रकार का न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन करने की मेथड और न्यूट्रिएंट मटेरियल के नेचर के आधार पर एनिमल्स को भी कुछ समूहों में बांट देते हैं, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उस ग्रुप के नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आता है इसमें हर्बीवोरस, ठीक है, ये तो आप लोग पहले भी पढ़े हैं लेकिन यहाँ पर भी जानना जरूरी है। और ये कैरेक्टर जो होता है ये कहलाता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का तात्पर्य होता है शाकाहारी, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। शाकाहारी जो पेड़ पौधों को और पेड़ पौधों के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यह हर्बीवोरस शाकाहारी कहलाते हैं। इसमें टेट्रापोड्स आ जाते हैं, खरगोश, बकरी, गाय, हिरण, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस जो आप घर में पाल के रखते हैं वो सारे एनिमल्स, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। ये हो गया हैबिट में फर्स्ट कैरेक्टर। अगर मैं सेकेंड कैरेक्टर की बात करूँ इसमें हर्बीवोरस के बाद में, तो दूसरा आता है कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोरस एक ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने भोज्य पदार्थ के लिए मांस का भक्षण करते हैं, मतलब अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, अर्थात मांसाहारी है, ठीक है। इसमें शेर, बाघ वगैरह आते हैं जिनके में कैनाइन दांत काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है। नेक्स्ट हैबिट होता है मेथड के आधार पर और फूड मटेरियल के नेचर के आधार पर, ये होता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस ओमनिवोरस जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं, अर्थात इसमें एनिमल और प्लांट दोनों
को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी इसमें आते हैं, ओमनिवोरस में सर्वाहारी हैं। ये छोटे क्लास का कंटेंट है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सारे ह्यूमन बींग्स, आप लोग वो तिलचट्टा देखे होंगे, काकरोच देखे होंगे, वो भी ओमनिवोरस इसकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर मैं नेक्स्ट इसके ग्रुप में जाऊँ तो ये होता है संजीवोरस। आप लोग ये नाम सुने भी होंगे आप लोग। संजीवोरस का मतलब होता है रक्तभक्षी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? रक्तभक्षी या रक्ताहारी बोलते हैं। दूसरे जंतुओं का रक्त चूस लेते हैं, बट सक कर लेते हैं। मॉस्किटो इसका जीता जागता उदाहरण है। लीच वगैरह, जोंक वगैरह भी जानते हैं आप लोग, वो भी इसके उदाहरण में आते हैं। नेक्स्ट करेक्टर की बात करूँ, नेक्स्ट हैबिट की बात करूँ, नेक्स्ट ग्रुप की, तो ये होता है पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स होता है परजीवी के रूप में होता है। परजीवी का मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहता है या डिपेंड करता है। इसमें वो क्रीमी वाला पूरे वर्ग आएंगे, फ्लैटवर्म, राउंड वर्म अर्थात प्लैटीहेल्मिन्स, नेमेटोहेल्मिन्स इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर, नेक्स्ट ग्रुप इसमें और आता है, और वो होता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स का मतलब आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था, सारे चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हैबिट बताना जरूरी था, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ सर कि मृतोपजीवी जो होता है वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जो तरल पदार्थ निकलता है उसको पोषक के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर है। और वो सामान्य अपने शरीर की शारीरिक स्वतः से विसरण की क्रिया के द्वारा उस चीज को ग्रहण करते हैं, उस तरल को ग्रहण करते हैं। छह के अलावा एक और आता है सेवंथ नंबर में, ये होता है कॉप्रोफिलस करके बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब होता है कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतु के मल या विष्ठा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये कहलाता है सुअर वगैरह, गुबरेला वगैरह में होता है। कॉप्रोफिलस प्रकार के जो भोजन की प्रकृति है वो सुअर वगैरह में, पिग वगैरह में देखे होंगे, गुबरेला में देखे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हैबिट, सिंपल सा प्रकृति। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ हैबिटाट के बारे में, ठीक है। हैबिटाट के बारे में, हैबिटाट से तात्पर्य होता है आवास, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आवास क्या है, तो आवास का मतलब, हैबिटाट का मतलब क्या होता है? जिन जगहों पर वो आसानी से रह लेता है, जिन जगहों पर रहते हुए अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है, जिन जगहों पर रहते हुए ये प्रजनन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। तो सारे एनिमल्स जो होते हैं उसके शेप और साइज में पर्याप्त वैरायटी होती है, मतलब वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब वेरिएशन उसके शारीरिक संरचना में है, उनके कार्य में है, उनके फंक्शंस में, स्ट्रक्चर में है, तो ये समझ लीजिए कि वो जिस जगह पर पाया जाता है उसमें भी पर्याप्त वैरायटी या वेरिएशन पाई जाती है, ठीक है। तो उस आधार पर कि किन जगहों पर वो रह रहा है, उसके आधार पर चार प्रकार के हैबिटाट इसमें बताए जाते हैं, फोर टाइप्स हैबिटाट। फर्स्ट हैबिटाट का नाम इसमें आता है फर्स्ट एक्वाटिक, क्योंकि ये इसलिए हम लोग पहले इसका नाम लेते हैं क्योंकि चूँकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो सबको पता होना चाहिए, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए कि सारे जीवन की उत्पत्ति, सभी जीवों की उत्पत्ति जल से ही होती है, इसलिए एक्वाटिक लिखते हैं। एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय, अर्थात इसमें वो सारे एनिमल्स आएंगे जो जल को अपने आवास के रूप में उपयोग करते हैं, मतलब जल में रहने वाले सारे एनिमल्स को एक्वाटिक एनिमल कहेंगे, समझ में आया। अब इसमें जंतु भी है, एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं, लेकिन हम लोग एनिमल किंगडम पढ़े तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं एक्वाटिक कहलाएंगे, सिंपल है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामान्य वाटर में रह रहा है, सामान्य जल में रह रहा है तो फ्रेश एक्वाटिक एनिमल बोलेंगे इसको, और अगर समुद्र में रह रहा है तो उनको मैरिन एक्वाटिक एनिमल बोलेंगे, ठीक है। ये दो भागों में ऐसा बढ़ जाता है, एक होता है फ्रेश वाटर या फ्रेश एक्वाटिक एनिमल, और दूसरा होता है मैराइन। ये जो मैराइन होता है मतलब होता है समुद्री जलीय जंतु, समुद्र में रहने वाले जलीय जंतु, ठीक है। अब ये जो होते हैं, जो जलीय जंतु होते हैं इस ये फ्रीली एटमॉस्फेयर में रहने वाले होते हैं, लगभग कुछ निष्क्रिय भी हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले होते हैं, कुछ निष्क्रिय भी होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से जो तैरने वाले एनिमल है, फ्रेली फ्लोटिंग करने वाले एनिमल है, उनको दो भागों में बांटते हैं, नेक्टॉन और प्लैंकटॉन। नेक्टॉन का मीन्स नेक्टॉन और प्लैंकटॉन में बांटते हैं, सॉरी नेक्टॉन एंड प्लैंकटॉन। ये जो नेक्टॉन और प्लैंकटॉन है, तरणक और प्लवक,
तैरनाक और प्लवक, हिंदी में बोलते हैं इसको। तैरनाक का मतलब जो जंतु सक्रिय रूप से तैर सकते हैं, जैसे इसमें आप लोग देखे होंगे ना मछलियाँ वगैरह तैरने वाले, नेक्टॉन। और प्लैंकटॉन में क्या होते हैं, वो निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। निष्क्रिय रूप से तैरने वाले में इसमें दो प्रकार आता है, एक होता है जू प्लैंकटॉन और दूसरा होता है फाइकोप्लैंकटॉन। जू प्लैंकटॉन और दूसरा होता है फाइटोप्लैंकटॉन, फाइटो प्लैंकटॉन। ये जो जू प्लैंकटॉन होता है, अर्थात ऐसे जंतु जो जल की सतह पर रहते हैं लेकिन जल की तरंग से नीचे भी चले जाते हैं। डेपनिया इसका एग्जांपल होता है जू प्लैंकटॉन में। और दूसरा जो आता है फाइटोप्लैंकटॉन, फाइटोप्लैंकटॉन के अंतर्गत सारे प्लांट्स को सम्मिलित किया जाता है जो जल में पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनॉक्स वगैरह है, वॉलवॉक्स कॉलोनी वगैरह है, इन सबको इसके अंतर्गत लिखा जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तैरनाक और प्लवक। एक और होता है इसमें जिसको बोलते हैं बेंथोस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये सेकेंड, और बेंथोस भी होता है बेंथोस। ठीक है, नीतलक बोलते हैं इसको। नीतलक का मतलब क्या हुआ, जो तल में रहते हैं, पानी के तल में रहते हैं, ऐसे जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है जो जल के अंदर तली में आधार पर चिपक के रहते हैं, आधार से लगा हुआ आवाज बना के रहते हैं। ऑयस्टर कोरल्स वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया एक्वाटिक। एक्वाटिक के बाद में सेकेंड आता है टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय। टेरिस्ट्रियल एनिमल का मतलब होता है स्थलीय। इसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं जो भू सतह पर रहते हैं। ठीक है, भू सतह में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, उन सारे एनिमल्स को टेरिस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। ठीक है, इसमें कई प्रकार के क्या बोलते हैं एडॉप्टेशन मिलते हैं, जैसे एडॉप्टेशन मिलते हैं, कई प्रकार के इसमें कैरेक्टर मिलते हैं, जैसे रनिंग करने वाले कर्शियल एनिमल बोलते हैं, जिसको हम लोग दौड़ने वाले जंतु मिलते हैं। ठीक है, एरोबियल एनिमल, अर्बीरियल एनिमल मतलब पौधों में रहने वाले एनिमल है, और एरियल एनिमल और फ्लाइंग एनिमल बोलते हैं जिसको हम लोग उड़ने वाले जंतु है। ठीक है, डिजर्ट एनिमल बोलते हैं जिसको मरुस्थली एनिमल के नाम से जानते हैं, दौड़ने वाले एनिमल रनिंग, या कॉर्सोरियल बोलते हैं जिसको पहले मैंने बताया, बिल में रहने वाले जंतु फॉसेरियल। तो ये सारे एनिमल जो है वो कुछ बिल में रहते हैं, कुछ पेड़ में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ मरुस्थल में रेंगने दौड़ने वाले रहते हैं, कुछ सामान्य जगहों भूमि पर रहने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें, नेक्स्ट थर्ड है इसमें, ये होता है एम्फीबियंस होता है, सॉरी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होता है उभयचर प्राणी के रूप में इसकी गिनती करते हैं हम लोग, इसका नाम लेते हैं उभयचर जंतु के रूप में। ये जो जंतु होते हैं जल थल दोनों में रह सकते हैं, दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसका शरीर इस प्रकार से अनुकूलन धारण किया हुआ रहता है कि आसानी से दोनों जगहों पर रह सकता है। मेढक वगैरह घड़ियाल वगैरह इसमें आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हैबिटेट की, तो ये होता है वाइवी या एरियल बोलते हैं हम लोग जिसको, एरियल, एरियल एनिमल। ठीक है, कम्प्लीटली एरियल में ही रहेगा, जैसे मैंने ये टेरिस्ट्रियल में बताया था ना कि इसमें एरियल भी होते हैं। तो टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या होगा, जो पानी में नहीं हो सारे टेरिस्ट्रियल में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम तक किस जगह पर रह रहा है, किसके माध्यम से रह रहा है, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो ये होता है एरियल एनिमल। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो वायु में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, अडाप्टेड होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एविस पक्षी तो जानते ही होंगे, पक्षियों का जो वर्ग है उसमें बटरफ्लाई वगैरह जानते होंगे, ये तो सारे चीज़ें इसमें आ जाता है एरियल एनिमल में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया साइलेंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में मैंने चर्चा किया, समान इंट्रोडक्शन भी बताया था आपको। तो ये वीडियो बड़ी बारीकी से अध्ययन करिए, इसका बड़े गौर से सुनिए। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा आपको तो प्लीज़ लाइक करें। अगर लगता है कि ये हेल्पफुल है आपके लिए और बाकी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, आपको फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।